हम लोग फिर मैथमेटिक्स का ही टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पर कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज एक लंबे टाइम अंतराल से चल रही है, लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम्स के कारण नहीं आई वीडियो, लेकिन ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पर एक काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, जिस वीडियो को लेकर के आज हम काम कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पर कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, क्या क्वेश्चंस हैं इसके विषय में हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलिंड्रिकल नेक। सिलिंड्रिकल नेक का मतलब कि लाइक एज ए नेक, उसका क्या है, सिलेंडर फॉर्म में। 8 cm लॉन्ग, वो क्या है, 8 cm लॉन्ग है, 2 cm इन डायमीटर, जबकि डायमीटर में वो क्या है, 2 cm है। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 cm, और जो उसका स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर है वो क्या है, 8.5 cm है। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर, जब हम वाटर को मेजर करते हैं तो बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, इसके द्वारा कितना पानी रखा जा सकता है इस फ्लास्क में, ये चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 cm³। जिसको कोई एक बच्चा क्या करता है, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेता है, और उसे वॉल्यूम उस स्फेरिकल पार्ट्स का क्या मिलता है, 345 cm³। चेक वेदर सी इज करेक्ट, चेक क्या करना है कि क्या उस बच्चे ने सही ढंग से काम किया है। टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई इज इक्वल टू 3.14, जबकि पाई की वैल्यू क्या किया जाए, 3.14 लें, और साथ में उस बच्चे की कैलकुलेशन चेक करें कि क्या उसने वॉल्यूम सही ढंग से फाइंड आउट किया है। तो मेन प्रॉब्लम हमारा क्या है, एक तो सिलेंड्रिकल नेक है जिसका मेजरमेंट दिया गया है, साथ में स्फेरिकल पॉट है, इस स्फेरिकल पॉट में वाटर फिलअप किया गया, और साथ में उस स्फेरिकल पॉट का डायमीटर दे रखा है 8.5 cm। तो ऐसे कंडीशंस में हम क्या करेंगे, स्फेरिकल पॉट का जो डायमीटर इसने दिया है उस डायमीटर के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसकी क्या कैपेसिटी होगी, मीन्स कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम 345 cm³ कोई बच्चा फाइंड आउट कर रहा है, तो अब उसको वेरीफाई करना है कि क्या ये वॉल्यूम इसका सही है। अगर ये वॉल्यूम इसका सही है तो इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर क्या आ सकता है, यही हमारा मेन प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं इन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में जैसा कहा गया, तो एक बार फिर क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो उसका दो ही मोट होता है, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन में क्या दिया गया है और साथ में क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या कर रहा है, क्या मुझे फाइंड आउट करना है। तो व्हाट इज गिवन के लिए बार बार हमें क्वेश्चन रीडिंग करना होता है। ये स्फेरिकल ग्लास वेसल, एक शीशे का कोई बर्तन है, स्फेरिकल ग्लास है, हैज ए सिलिंड्रिकल नेक, जिसका गला क्या है, कैसा बनाया गया, सिलिंड्रिकल है, ठीक है, 8 cm लॉन्ग, और उसका नेक क्या है, ये नेक आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, ये कितना लंबा है, 8 cm लॉन्ग एंड 2 cm इन डायमीटर, और जो इसका डायमीटर दिया जाए वो 2 cm है। तो 2 cm डायमीटर होने का मतलब यहाँ से सपोज कीजिए अगर हम इसका डायमीटर ले लेते हैं तो डायमीटर की कंडीशंस क्या हो जाएगी, 2 cm, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इज 1 cm, तो उसका रेडियस 1 cm हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, और स्फेरिकल पार्ट माने नीचे वाला जो सिरा है, लाइक एज ए स्फीयर बनाया गया है, तो स्फेरिकल पार्ट्स का डायमीटर क्या है, 8.5 cm, जो यहाँ इस फिगर में दिखाया गया है, जो हमारी राइट हैंड फिंगर शो कर रही है कि यहाँ से 8.5 cm आपका डायमीटर है। फिर कह रहा है बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर, जो इस स्फेरिकल पार्ट के द्वारा कितना पानी होल्ड किया जा सकता है उसको मेजर किया गया, तो बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, इसके द्वारा जितना पानी होल्ड किया गया, ए चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी 345 cm³, मींस कि स्फेरिकल पार्ट्स के द्वारा कितना वाटर कंटेन किया जाएगा इसको किसी एक बच्चे ने मेजर किया कि 345 cm³ हो सकता है इसका वॉल्यूम।
ठीक है, तो चेक वेदर सी इज करेक्ट, तो पता करना है कि कोई और लड़की है तो क्या उसने सही कैलकुलेशन किया है। टेकिंग अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट, जो आप मेजरमेंट में वर्कआउट करेंगे उसमें पाई की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 3.14। तो अब तो मेरा ख्याल है टू टाइम्स या मोर देन टू टाइम्स रीडिंग करने में प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो गई, मतलब कि पूरे प्रॉब्लम का जो मोटो है वो आपको समझ में आ गया। अब वो समझ में आ गया तो करना क्या है, इन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है मीन्स की सिलेंडर की अगर सपोज की जाए, यही तो हमारा सिलेंडर बन रहा है, तो इस सिलेंडर का हाइट क्या दिया गया है, 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो साइड मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर इज 8 cm, दैट इज कॉल्ड h1। इसको हम क्या मान सकते हैं, h1 मतलब कि हाइट के सेंस में पहली ऊंचाई है, फर्स्ट स्टेज ऑफ द पार्ट है, इस नाते h1 इज इक्वल टू 8 cm कर सकते हैं। एंड r1 इज इक्वल टू 1 cm, क्योंकि इसका डायमीटर पूरा 2 सेंटीमीटर है और रेडियस इसका लेंगे तो रेडियस 1 cm है, बात समझ में आ रहा है, तो 1 cm इसका रेडियस हो गया। नाउ रेडियस ऑफ स्फीयर r2 इज इक्वल टू, अब रेडियस ऑफ स्फीयर की बात हो रही है, क्योंकि अगर ये स्फीयर है, स्फेरिकल पार्ट्स में ऐसे ये कंडीशंस ली गई है जिसका हमने डायमीटर लिया है, तो स्फेरिकल पार्ट का रेडियस मीन्स उसको हम r2 मान सकते हैं, क्योंकि वो हमारे टोटल पार्ट का सेकेंड आइटम है, सेकेंड पार्ट्स है, तो ऐसी कंडीशंस में r2 इज इक्वल टू 8.5/2 cm हो गया। ठीक है, चाहे तो हम तत्काल डिवाइड कर दें, 4.25 आएगा, नहीं तो हम उसको 8.5/2 cm रख करके आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो दो कंडीशंस क्लियर हो गई कि एक तो हमारा सिलेंडर है और दूसरा क्या है, स्फीयर है। सिलेंडर में हमें रेडियस और हाइट मिल गई, सेम कंडीशंस में हमें स्फीयर में क्या चाहिए, ओनली रेडियस चाहिए। ठीक है, जिससे हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। दस वी गेट वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड, अब हमें क्या पता करना है कि इस बर्तन में कितना हम वाटर फिल कर सकते हैं। तो दस वी गेट वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड इन ए स्फेरिकल ग्लास वेसल, स्फेरिकल ग्लास वेसल में कितना हम पानी भर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप जानते ही हैं कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, लेकिन अब फर्स्ट पार्ट ऑफ द फिगर दिया गया है, तो इस नाते यहाँ क्या करेंगे, πr²h1 हो जाएगा, और प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr³³ हो जाएगा, बात समझ रहे हैं, जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है। तो अब वहां पर रेडियस r2 लिया गया है, इस नाते r²³ हो गया। अब दोनों में वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई तो दोनों में कॉमन नहीं है, लेकिन 3.14 आपकी सुरक्षा के लिए उनके सामान्य ढंग से आप समझें, तो इस नाते हमने 3.14 रख दिया। फिर इसमें पहला जो आपका सिलेंडर का जो आप सिलिंड्रिकल वेसल लिए हैं तो सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, तो सिलेंडर का हमने रेडियस r1 नोट किया था, उसकी जगह 1 कर दिए, तो r1² 1 का स्क्वायर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। 8 cm³ मीन्स हाइट उसकी दी गई है, वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो πr²c h1 के फॉर्म में पाई की वैल्यू रख दिए, r1 की वैल्यू रख दी, स्क्वायर करने से अनअफेक्टेड रहा और h अपनी जगह है, ये प्लस 4/3 πr³ होना चाहिए, तो वहां r की जगह r2 है, तो πr²³, तो सेम कंडीशंस में 4/3 πr³ पर 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 रख दिए इंटू r2 की वैल्यू 8.5/2, इसका क्या होगा, होल क्यूब होगा, तो होल क्यूब होने के कारण इस पर क्यूब का पार्ट्स जोड़ देते हैं और ये टोटल वॉल्यूम निकाला गया, इस नाते cm³ होगा। इधर का कैलकुलेशन कर लेते हैं, 3.14 1 से कल मल्टीप्लाई करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सीधे 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 4 12 की 2 कैरी 1 और 8 1 जा 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32 हुआ था, तो 32 की 2 कैरी 3 और 8 1 जा 8 3 11 की 1 कैरी 1 हो जाएगा और 8 3 जा 24 प्लस 1 25, तो ये वैल्यू आपकी क्या आ गई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 25.15 प्लस, अब यहाँ से 4/3 इंटू 3.14
इनटू 8.5 बाय 2 का होल क्यूब है, तो सेम कंडीशंस में इनको भी सिंपलीफाई कर लेंगे, तो 8.5 इनटू 8.5 इनटू 8.5 थ्री स्टेप में कर लेंगे और 2 2 जा 4 2 जा 8 कर देंगे। आफ्टर सिंपलीफिकेशन इनको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलता है, 1928.35 होल अपॉन 6। जब ऊपर ये वाले पूरे पदों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इतना वैल्यू मिल जाने के बाद अब हम देख रहे हैं एक इंटीजर पार्ट्स हमारे पास 25.12 और दूसरा है 1928.35 अपॉन 6। तो यहाँ 6 LCM लेकर के इनको सिंपलीफाई कर दीजिए, एक तो तरीका ये है, दूसरा है 6 से एज इट इज इसको डिवाइड कर दीजिए। तो दोनों में से जो आपको आसान लगे कर सकते हैं। यहाँ पर हमने उसके डिवीजन वाले प्रोसेस को अडॉप्ट कर लिया, तो 25.12 तो पहले ही था और जब इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 18 6 2 12, इस तरह से आपस में डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू क्या आ रही है, 321.39 आ जा रहा है। और इन दोनों को ऐड करने पर टोटल वैल्यू क्या आ रही है, 346.51 cm³। बात समझ रहे हैं, तो इस पूरे बर्तन में आने वाला वाटर जो होगा, कंटेनिंग वाटर, द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनिंग वाटर बाय द फिगर, दैट इज इक्वल टू 346.51 cm³ हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब दूसरी बात इस चीज की आ रही है कि यहां से जो प्रॉब्लम इसने दिया, मेन प्रॉब्लम इनकी ये थी कि 345 cm³ जो इसके द्वारा वॉल्यूम कवर किया गया, तो क्या वो वॉल्यूम जो है ये इसके द्वारा जो चेक किया गया था ये सही है। अब यहाँ से थोड़ा सा स्टेप इसका चेंज करना जरूरी है। वो स्टेप क्या चेंज करना जरूरी है कि यहाँ से 345 इसने दिया है, तो 345 cm³ उसने दिया था किसी बच्ची ने कैलकुलेट करके, और हमारा आंसर क्या आ रहा है, 346.51 cm³ आ रहा है। तो बहुत माइनोटली डिफरेंस है जो उस बच्चे ने कैलकुलेशन किया कि जो आपका स्फेरिकल पार्ट है या ग्लास वेसल है उसके द्वारा 345 cm³ नहीं कितना वाटर कंटेन होगा, 346.51 cm³ होगा। तो एग्जैक्ट आंसर आपका ये होगा, मतलब कि उस बच्ची ने कैलकुलेशन करने का प्रयास किया लेकिन हो सकता है कहीं बाई मिस्टेक्स ऐसी प्रॉब्लम आई जो कि बहुत माइन्यूटली डिफरेंस है। ठीक है, तो आप इसी तरह से देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन जो हमने सेलेक्ट किया है। तो सेकेंड क्वेश्चन भी इसी तरह से क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, उस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, एक कोई पेन स्टैंड है जो लकड़ी का बना है, इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड, जो किस शेप में है, क्यूबॉइड के शेप में है, विथ फोर कॉनिकल डिप्रेशंस, मतलब कि जो जिसमें क्या है, फोर कॉनिकल डिप्रेशंस बनाए गए हैं। फोर कॉनिकल डिप्रेशंस मतलब कि चार ऐसे ब्लॉक बना दिए गए हैं जिसमें पेन रखी जाती है, तो उसका शेप क्या है, कॉनिकल डिप्रेशंस की है, टू होल्ड पेन्स, जो पेन को होल्ड करता हो। बात समझ में आए, तो द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड, तो अब डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड क्या है, आर 15 cm × 10 cm × 3.5 cm, मतलब कि ये कॉनिकल शेप का क्या दिया है, डायमेंशन दिया है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डायमेंशंस इज 0.5 cm, मतलब कि यहां से क्या दिया गया वैल्यू, 0.5 cm। तो 0.5 cm क्या है, ईच ऑफ द डायमेंशंस इज 0.5 cm एंड द डेप्थ इज 1.4 cm, मतलब उसकी डेप्थ गहराई 1.4 cm है और जो रेडियस डायमीटर है, बात समझ रहे हैं, मींस ईच ऑफ द डायमेंशंस इज 0.5 cm एंड डेप्थ इज 1.4 cm। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड, तो इस इंटायर स्टैंड की जो मतलब वॉल्यूम होगी उस वॉल्यूम को हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्वेश्चंस तो दिया गया है, अब क्वेश्चंस में थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट दिए गए हैं, उन क्रिटिकल पॉइंट पर भी हमें ध्यान देना होगा कि कहीं वो मिस्टेक्स ना होने पाए। तो अब एक बार फिर से क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, मतलब कि ये जानने के लिए कि व्हाट इज गिवन, क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो एक कोई पेन स्टैंड है जो लकड़ी का बना हुआ है, इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड, जो क्यूबॉइड शेप में है, विथ फोर
कॉनिकल डिप्रेशंस यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर दिया है फोर कॉनिकल डिप्रेशंस, मतलब कि इज होल्ड पेंस, मतलब यहाँ पर होना चाहिए मेनली कि फोर कॉनिकल कॉनिकल डायमेंशंस टू होल्ड पेंस, मतलब कि वहाँ पर चार कॉनिकल डायमेंशंस ऐसे दिए गए हैं जो पेन को होल्ड करते हैं। तो द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 115 cm × 10 cm × 3.5 cm। क्यूबॉइड आप समझ रहे हैं, घना जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है, उसका डायमेंशंस इसने दे रखा है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डायमेंशंस इज 0.5 cm। इसका ये रेडियस जो वहां पर कॉनिकल डायमेंशंस दिया गया, कॉनिकल मतलब शंकु के आकार का, जैसे यहाँ नीचे आपको फिगर दिया गया है कि एक शंकु इस तरह से बनाया गया जिसमें पेन होल्डर टाइप का है, पेन आप रख सकते हैं, ये इसका मेन मोटो है। तो कैसा बनाया गया है, लाइक एज ए कॉनिकल शेप, तो कॉनिकल शेप में डायमेंशंस होनी चाहिए जिसकी रेडियस 0.5 cm है और डेप्थ कितनी है, गहराई उसकी 1.4 cm। तो 1.4 cm दिया गया है फिगर में, जहाँ राइट हैंड फिंगर्स शो कर रही है कि 1.4 cm आपकी हाइट दी गई है और इसका जो रेडियस है वो 0.5 cm है। बात समझ में आया, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द इंटायर स्टैंड, इस स्टैंड को बनाने में फाइनली कितनी लकड़ी लगाई गई उसकी हमें वॉल्यूम चाहिए। बात समझ रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो अब तो लगभग समझ में आ गया होगा। फिर इन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन का मोटो क्या है उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, पहले हम क्या निकाल देंगे, जो डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड दिया गया, तो सबसे आसान काम क्या है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड निकाल दीजिए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल इंटू बी इंटू एच, और एल बी एच में जब वैल्यू पुट करेंगे तो 15 × 10 × 3.5 आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी गेट 525 cm³। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 525 cm³। थोड़ा सा मिस्टेक्स लग रहा है क्योंकि यहाँ पर जो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 15 × 10 = 150 होगा और 150 का मल्टीप्लाई 3.5 में करेंगे, तो 150 × 3.5 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 500 × 25 और 5 × 5 + 2 = 7 हो गया, 300 × 3.5 = 15 और 3 × 3 + 1 = 4। तो ये वैल्यू टोटल क्या आ जाएगी, 0 5 7 5 12 2 carry 1 4 + 1 5, 1 place for decimal है, ऐसा ही है वैल्यूज। तो देखिए 4 525 cm³ इसका क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। इस पर मुझे शंका था, हो सकता है कि कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक्स रही हो, तो उसका हमने आपके सामने कैलकुलेशन कर दिया। तो ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन इज द हार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, इसको हम कह सकते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में कभी भी कैलकुलेशन किसी के ऊपर विहाप मत कर लीजिए, नहीं जो आपने कह दिया सही है, अरे भाई किया, हम उसको फिर से रीचेक कर लेते हैं। तो जैसे भी हमें डाउटफुल हुआ तुरंत हम इसको रीचेक कर लिए, ठीक है। तो ये 525 cm³ क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड आ गया। नाउ रेडियस ऑफ कोन, तो रेडियस ऑफ कोन 0.5 cm है और हाइट कितनी दी है, 1.4 cm होनी चाहिए, और यहाँ पर हम 1.5 cm यूज कर लिए हैं। तो अब ये 1.5 cm जो यूज किए हैं वो हाइट किस बेस पर ली गई है, 1.5 cm को ही काउंट किया जाए, तो अगर यहाँ 1.4 की जगह 1.5 कर देते हैं, क्योंकि जो कैलकुलेशंस किया गया उसी को बताया जाए तो बेटर अप्रोच रहेगा। तो ऐसी कंडीशंस में 1.5 यहाँ भी कर दें, जो कैलकुलेशंस कर दिए हैं एक बार, तो 1.5 किया जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो देन द वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 πr² एच वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/3 × π की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 0.5 cm दिया गया है, एच की वैल्यू 1.5 है, ठीक है। दोनों वैल्यूज को पुट कर दिए, आफ्टर द कैलकुलेशन वी गेट 11/30 cm³। ये वैल्यू किसके इक्वल हो जा रही है, 11/30 cm³, क्योंकि 3.14 है और यहाँ 0.5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.25 हो जाएगा। 1.5
decimal multiplication है, after multiplication we get in the form of fraction 11 upon 30 cm cube, ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द कोन आ गया। अब इसी तरह से क्या करना है, जब 11 upon 30 इसका cm cube आ गया वैल्यू, तो now वॉल्यूम ऑफ 4 कोन, तो ऐसे 4 कोन को हमें वॉल्यूम निकालना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 into 11 upon 30 रहेगा। अब आपस में इनको सिंपलीफाई कर लीजिए तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 22 अपॉन 15 cm क्यूब हो जाएगा। अब ये सारी चीजें तो हमें मिल गई, इसकी वॉल्यूम ऑफ द कोन और वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, जो लकड़ी था जिसके आधार पर बनाया गया है ओपन स्टैंड, तो क्या करेंगे, इट मींस अब हेंस द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, इस एंटायर स्टैंड का वॉल्यूम क्या है जो लकड़ी लगाई गई, तो दैट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपका 525 आया इधर, और यहां से 22 अपॉन 15 किसका आया, वॉल्यूम ऑफ द 4 पेन स्टैंड। अब दोनों को सबट्रैक्ट कर दें तो वैल्यू क्या मिल जाती है, 523.53 cm क्यूब। इस तरह से आपने देखा कि एक पेन स्टैंड बनाया गया, पेन स्टैंड कितने के लिए बनाया गया, 4 पेन रखने के लिए। उस पेन का शेप क्या रखा गया, कोनिकल शेप रखा गया, लाइक एज ए कोन के फॉर्म में। और दूसरा जो हमारा मतलब वुड था, वह वुड किस फॉर्म में था, वो हमारा क्यूबॉइड के फॉर्म में था। तो क्यूबॉइड के फॉर्म में, तो क्यूबॉइड के फॉर्म में, क्यूबॉइड के माध्यम से हमने पता कर लिया कि टोटल लकड़ी कितनी लगी थी। लेकिन उस पेन स्टैंड को बनाने में जो 4 पेन लगाने के लिए लकड़ी खर्च की गई थी, उसका भी हमें वॉल्यूम निकालना था। तो टोटल हमें क्या मिल जाता, कि वॉल्यूम ऑफ द वुड, टोटल लकड़ी का वॉल्यूम कितना है, कितनी लकड़ी उस पेन स्टैंड को बनाने में लगी। बारीकी क्या था कि भाई कोई भी पेन लगाएंगे तो वहां पर स्पेस चाहिए, और वह स्पेस चाहने के लिए वहां की लकड़ी निकालनी पड़ेगी। तो इस नाते हमें वॉल्यूम ऑफ द कोन यहाँ निकालना पड़ा, और वॉल्यूम ऑफ द कोन पहले एक पेन का वॉल्यूम मालूम हुआ, फिर ऐसे 4 पेन का वॉल्यूम मालूम हुआ, और जब 4 पेन का वॉल्यूम मालूम हो गया तो हम क्यूबॉइड के वॉल्यूम से माइनस कर दिए, कि वो स्टैंड बनाने के लिए उतनी लकड़ी फिर से कट करके निकाली गई, तो शेष लकड़ी कितनी बची, यही हमारा क्वेश्चन था। तो दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द एंटायर वुड व्हिच आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द पेन स्टैंड, दैट इज इक्वल टू 523.53 cm क्यूब। तो इस तरह से आपने देखा, ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, और इन क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करना एरिया, सरफेस एंड वॉल्यूम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी पर आज से हमारा एरिया, सरफेस एंड वॉल्यूम का चैप्टर समाप्त होता है। फिर हम लोग केमिस्ट्री के साथ मिलते हैं, और केमिस्ट्री के बाद फिर फिजिक्स, इस तरह से हमारा कंटिन्यूएशन वीडियो 1x1 आता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।